तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका अर्थशास्त्र विषय की तैयारी आपको किस आधार पर लेनी है और कितने क्वेश्चंस दोस्तों यहां से आपसे पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा लास्ट समय तक का वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में उनके उत्तर भी दिखाने वाला हूं। अगर आपने लास्ट समय तक वीडियो को देखा तो आपको सब कुछ इसमें से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर किस आधार पर पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे। तो पहले तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी लोग, जिससे कि आप सभी तक हमारे पास में इस तरह के जो वीडियो आते हैं वो आप तक हम बराबर पहुंचाते रहें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और कितने क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आपका जो पार्ट एक है सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अर्थशास्त्र विषय की स्कूल से दो पुस्तकें प्राप्त हुई होंगी। तो दोस्तों इसके पुस्तक में से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम देखेंगे और किस आधार पर दोस्तों आपको तैयारी कर लेनी है। तो देखिएगा आपको आपके स्कूल से दो पुस्तकें मिली होंगी, एक का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा और दूसरी का नाम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी होगा। तो दोस्तों इस बार जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसमें आपके सिर्फ जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी है, इसी पुस्तक में से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। यानी कि आपको इसी पुस्तक को अच्छे से पढ़ लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये पुस्तक है, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो बेहतर रहेगा। आपको सिर्फ दोस्तों अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नाम की पुस्तक पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिएगा वैसे तो यहाँ पर ये इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, आप लोग इन ऑब्जेक्टिव्स को देख लें और आप इनको तैयार भी कर लें। पर दोस्तों इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए, तो एक तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आर्थिक डेटा क्या है आप इसको याद कर लेंगे, और उपभोक्ता क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी कोई दो कार्य लिखिए, ये भी आप याद कर लोगे, और बचत क्या है इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो द्वितीय पुस्तक है सांख्यिकी वाली उसका दूसरा पार्ट है आपका आंकड़ों का संग्रहण या डेटों का संग्रहण या आंकड़ों का संग्रहण, एक ही बात है। तो ये पार्ट है आपका, तो देखिएगा इस पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप इनको देख पा रहे हो, ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो आप लोग इनको देखेंगे और यहाँ से नोट कर लेंगे पूरे, और इसके अलावा ये इनके उत्तर रहे। और आगे देखा जाए तो यहाँ से ये जो छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, काल संकड़ा आंकड़ों में के चित्र में प्रस्तुतिकरण की दो सीमाएं आपको बतानी है, तो ये पूरा क्वेश्चन है और ये इसका उत्तर है। और आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक वर्ष में मासिक वर्षा को निरूपित करने के लिए किस प्रकार के आरेख अधिक प्रभावित होते हैं, इसको आपको देख लेना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की दो सीमाएँ आपको बतानी है, तो आप इसको याद कर लें। और इसके अलावा चर के दो उदाहरण आपको करने हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अच्छी प्रश्नवली के दो गुण लिखिए, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ये परीक्षाओं में आपके बिल्कुल छप चुका है, इसलिए आप लोग इसको देखेंगे और याद कर लेंगे। दूरभाष पर साक्षात्कार के दो लाभ लिखिए, इसके अलावा प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं आपको बतानी है, और दोस्तों प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में आपको अंतर लिख के बताना है, यह आपसे इस आधार पर पूछा जाए प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताना है, तो भी आपको ये कर लेना है। देखिएगा ये पूरा का पूरा अंतर है दोस्तों, तीन पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये याद कर लेने हैं, और इसके अलावा एक पॉइंट ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप देख लेंगे और नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनसंख्या को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, इसको आप याद कर लेंगे। और फ्रिक्वेंसी एरे के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्गीकरण के क्या तात्पर्य है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दर्शाए गए हैं इनको आप याद कर लेंगे पूरे जो कि दिए गए हैं यहाँ पर। अब चलिए आगे देखते हैं, पार्ट दो तक का अभी तक का अपना हो चुका है, अब आगे हमको पार्ट तीन कंप्लीट कर लेना है। पार्ट तीन में आपको क्या करना है, इसका नाम है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस पार्ट में से भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो देखिएगा आंकड़ों का इसमें से आपको क्या क्या कर लेना है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिएगा इस पार्ट में से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक तो ये बहुलक और माध्य में अंतर आपको याद कर लेना है, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन दो प्रकार के समांतर माध्य के नाम आपको बताना है, मोट क्यों उपयोगी है ये आपको कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अलावा और अगले पार्ट को देख लेते हैं,
वैसे इसमें सवाल भी आपके आएंगे, पर सबसे पहले आप इनको तैयार करें। जैसे कि अच्छे औसत की क्या विशेषता है, माध्यिका के चार गुण आपको बताने हैं, ये भी आप देख लें, विधा के दोष। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अगला पार्ट है तो ये भी आपको देख लेना है, जैसे कि फैलाव या माप, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको भी देखेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। परिक्षेपण क्या है, मानक विचलन की विशेषताएँ, और इसके अलावा मानक विचलन को परिभाषित कीजिए, विचलन के गुणों की व्याख्या कीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर से कर लेने हैं, तो ये आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको देख लें। परिक्षेपण के ऊपर भी क्वेश्चन बैठेंगे आपके, मानक विचलन क्या क्या है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग इस जगह से नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो तो आगे आप यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस और आपसे इस आधार पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आगे आपको क्या कर लेना है, आपका जो इकाई 5 होगी सहज संबंध सूचकांक, ये आपका पार्ट 7 होगा। वैसे यहाँ पर इकाई 5 दे रखा है, पर आपके किताब में पार्ट 7 दिया रखा होगा, से संबंध या सूचकांक, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। से संबंध तक का ही आपसे दोस्तों परीक्षाओं में इसमें से पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है, सूचकांक संख्या में किन्हीं 4 तत्व महत्व को स्पष्ट करें, तो ये दिया गया है पूरा का पूरा, आप लोग इसको यहाँ से देखेंगे, और कुछ ये दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, से संबंध के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, और उसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक क्या होते हैं, और उसके अलावा आगे देखा जाए दोस्तों इस पार्ट में से और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको करने हैं याद। तो देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, आप यहाँ से देखें सूचकांक के किन्हीं 4 महत्व को स्पष्ट करें, तो ये पूरा आप यहाँ से देख लेंगे, और कुछ हिस्सा ये दे रखा है। दोस्तों देखिएगा मेरे द्वारा यहाँ पर आप सभी को अर्थशास्त्र की पूरी तैयारी करवा दी गई है, तो आप सभी के सभी इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।